Assalamualaikum dear students, today we start the new exercise of chapter 2, that is exercise 2.3. आज के भी लेक्चर में हम स्टार्ट के 4 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या गिवन है कि आपको डिफरेंट पावर्स गिवन है अब हर बेस के ऊपर, वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इसको डिफरेंट और इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास इन्होंने क्या यूज़ करा है, ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इनमें करना क्या है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास कि आपके पास एक बेस गिवन है 10 और उसके ऊपर 2 पावर्स गिवन है 3 एंड 2। आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छा यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है जो तमाम स्टूडेंट्स में हो जाता है जब आप भी ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी भी अगर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लास्ट के क्वेश्चंस में करा था कि कभी भी हमारी बेसिस अगर मल्टीप्लाई होती थी, जब ए से मल्टीप्लाई हो रहा है या बी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उनकी पावर्स क्या करते थे, आपस में ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 के अंदर यहाँ पे आप बेसिस मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, 2 और 3 यहाँ पर क्या गिवन है, पावर्स का पावर गिवन है, बेस क्या है इसकी, इन दोनों की बेस क्या है 10। तो बताने का मकसद ये है कि कभी भी अगर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो आप उनको क्या करोगे, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आपकी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तब आप उनकी पावर्स प्लस करते हो, और जब पावर्स ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनको जस्ट मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल मल्टीप्लाई जैसे 2 का टेबल या 3 का टेबल पढ़ते हैं, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 2 से मल्टीप्लाई या 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता है आपके पास, 6 आएगा आपके पास, तो 10 के ऊपर अब एक सिंगल पावर आ जाएगी 6। 6 अप्लाई करने के लिए अब क्या है, हम किस तरह अप्लाई करेंगे, 10 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आप बाई कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, अगर मैन्युअली करना है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, जब आप कैलकुलेटर में इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो आंसर कुछ इस तरह का आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन होगी कि हमने इससे पहले तो जो पढ़ा था कि अगर 3 to 4 डिजिट्स आएंगे तो वो हमारे आंसर होंगे, और अगर इससे बड़ा आंसर आता है तो हम उनको सजेस्ट पावर में ही लिखते थे, तो आप इससे कोई फर्क, अभी अगर हम 10 की भी पावर अप्लाई करने के बाद टोटल 6 डिजिट्स आ रहे हैं, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म, और सब सिंगल वो है रेगुलर पैटर्न में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 1 2 या 1 2 3, 1 0 ही आ रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो अगर पेपर में है कि अभी, फिर ये है कि अगर अभी तो हमारे पास बुक है, हम बुक में से आंसर देखकर इसको मैच कर लेते हैं, अगर पेपर में ऐसा कोई कन्फ्यूजन हो है आपके हो जहन में तो आप जस्ट पावर अप्लाई करके भी लिख दो, फिर सही है लिख दें, लेकिन पावर लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है इसलिए बोलते हैं, वरना आप लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2, 3, 4 ये आपके होमवर्क हैं, आप इसको सॉल्व करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो देन यू आस्क। थैंक यू।